वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पैदल मार्च निकालने के साथ ही कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। आपको बता दें राजधानी भोपाल में निकाले गए पैदल मार्च में सीएम कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पैदल मार्च में सीएम कमलनाथ कांग्रेस की परंपरागत टोपी पहन रखी थी। पदयात्रा जवाहर भवन से प्रारंभ होकर रोशनपुरा से मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा तक आयोजित की गई। मिंटो हॉल में पदयात्रा के बाद भजनों का कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपस्थितों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जो हालात थे उनका सामना करने के लिए आज महात्मा गांधी की आवश्यकता है। बापू के प्रति निष्ठा व्यक्त कर आप देश और समाज के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचारों में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। कांग्रेस सभी को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर ही हम एक समाज को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। गांधी जी केवल भारत के नहीं थे, केवल हमारे नहीं थे, हमारे तो थे। भारत की पहचान विश्व में कितने देशों में जाएं आप, वो भारत के बारे में बहुत कम जानेंगे। पूछेंगे कितने राज्य हैं, उनको नहीं पता कितना बड़ा है, कहते हैं बहुत बड़ा है, पर जानेंगे तो महात्मा गांधी जी को जानेंगे। ये भारत की पहचान है और ये बड़ी गर्व की बात है। बच्चों, आप जहां भी जाएंगे याद रखिएगा कि आप महात्मा गांधी के देश से हैं और आपके ऊपर ये दायित्व तो है कि आप जीवित रखें। भविष्य आपका है, आप ही निर्माण करेंगे। और ये निर्माण कैसा करना चाहते हैं, कैसा अपना देश भविष्य में होए, ये आप सबके सामने, ये सोच आपको कैसी होनी चाहिए। ये केवल आपके कार्य से नहीं परे एक सोच, आप किस प्रकार के मूल्यों को अपनाना चाहते हैं, किन प्रकार के आदर्शों को आप अपनाना चाहते हैं। अगर आपको देखना है कोई दिशा चाहिए, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर देखिए, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्रकार टीवी से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।